तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। अगर आप गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको रोडपति से महाकरोड़पति बना देगा। खासकर गणेश जी सभी विघ्नों के हरने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं, यह विघ्न हरता है। गणेश संहिता में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, कुछ ऐसे टोटके बताए गए हैं, जिनकी सहायता से, जिनकी मदद से, जिनके उपाय से कोई भी अपनी समस्याओं का समाधान बेहद ही आसानी तरीके से प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन सूर्यास्त के बाद आप किसी भी गणेश मंदिर में, आपके नज़दीक में जो भी गणेश मंदिर है, उसमें जाकर या फिर अपने घर में ही यह उपाय कर लें, तो यह महा उपाय आपको सभी समस्याओं को दूर कर देगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। इस वीडियोस के माध्यम से आपको यह लाभ देना चाह रहे हैं कि भगवान श्री गणेश जी को अपना इष्ट देव बनाकर आप निश्चित रूप से उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, अपना भाव उनमें रखें, अपने घर में ही या गणेश मंदिर में गणेश जी के सामने सबसे पहले दोनों अपना हाथ जोड़कर, दोनों कर जोड़कर निवेदन करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे गणनाथ, हे गणराज, आपको मैं अपने देव के रूप में अपनाना चाहता हूँ, आप मेरे इष्ट देव बन जाए, आप मेरे इष्ट देव बन जाए। अब 108 बार गणेश मंत्र का 108 बार आप प्रतिदिन जप करें एवं श्री गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीर्ष के साथ गणेश आरती का पाठ आप श्रद्धा पूर्वक करते हुए प्रार्थना करें कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ, मेरे सभी अभावों को आप दूर करें। गणेश जी खूब सुनते हैं, आप मन से सुनाइए। दूसरा उपाय है, हर तरह की बुरी नज़र से आपको यह उपाय बचाएगा। यदि किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र लग गई हो, तो गणेश जी का यह टोटका, यह उपाय, यह सरल उपाय आपके आपको जीवन भर रक्षा करेगा। आपको करना क्या है, एक नारियल जटा वाला गीला ले लें और उसे अपने सर से पैर तक 7 बार, ध्यान दें, सर से लेके पैर तक 7 बार घुमाकर भगवान श्री गणेश के श्री चरणों में तोड़ दें। ध्यान रखें उस नारियल को घर साथ लेकर न जाएं, बिल्कुल आपको घर लेके नहीं जाना है, आपकी बुरी नज़र हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपको बता देते हैं कि लाल कलावे की अद्भुत उपाय जो है क्या है, एक छोटा सा लाल कलावा लें और उसे गणेश जी के चरणों पर, आप खासकर गणेश जी के चरणों का सिंदूर लगाकर उनके चरणों में ही रख दें और ओम श्री गणेशाय नमः का 108 बार मन ही मन आप जप करें और उनसे अपनी प्रार्थना करें। जप करने के बाद उस लाल कलावे को हाथ में उठाकर उसमें जप किए गए जो भी मंत्र का अपने आप उच्चारण कर रहे थे, उसी का उच्चारण करते हुए 7 बार गांठ बांध लें। अब इस सिद्ध लाल धागे को आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए, उनको स्मरण करते हुए अपने गले में बांधें या पर्स में आप रखें। इस टोटके से आप महसूस करेंगे कि आपकी सभी मनोकामना पूरी होने लगेगी और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।